जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? मीन राशि, मछली जल की रानी है, जीवन इनका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। जी हाँ, ऐसे ही होते हैं मीन राशि वाले, सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, अंदर से भी बाहर से भी। मीन राशि वाले पानी के बिना जैसे नहीं रह सकती मछली, वैसे नहीं रह सकते ये अपने साथी के बिना, किसी सपोर्ट के बिना, किसी ऐसे इंसान के बिना जो इनको बल देता रहे। मीन राशि वालों को हमेशा एक सहारा चाहिए, एक ताकत चाहिए, चाहे वो ताकत उनके किसी अपने की हो, माता पिता की हो, दोस्त की हो, भाई बहनों की हो, या अपने जीवन साथी की हो। अगर कुछ ना हो तो किसी अच्छे गुरु की हो या फिर ईश्वर की हो, परंतु जीवन के अंदर बल इनको हमेशा चाहिए। तो चलिए भाई, ये बल आपको देने के लिए आपकी ये सारथी आ गई। 2021 में क्या चीज़ें आपको बल दे सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले, चूँकि ये मेरी आखिरी राशि है, इसलिए मैं पहली राशि से लेकर 12वीं राशि तक सबको दिल से कह रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको, हम सब की तरफ से बहुत बहुत 2021 की शुभकामनाएं। आपके परिवार में हमेशा माता रानी माँ लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहे। आपके घर में गणेश जी विघ्नहर्ता की तरह बुद्धि और रिद्धि सिद्धि देते रहें। आपके घर के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ हमेशा खड़े रहें। आपके घर में कोई भी नज़र या प्रेत आने से पहले भैरव बाबा की दृष्टि में आ जाए। आपके ऊपर कभी भी कोई कुसंगति ना आए। आपके जीवन के अंदर कभी भी आपको किसी भी तरह का कोई भी कष्ट ना आए। हनुमान बाबा हमेशा आपकी रक्षा करने के लिए खड़े रहें और मेरे ठाकुर जी आपके जीवन में खूब प्रेम का संचार करते रहें। आपके घर के सारे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करती हूँ और उनसे आशीर्वाद की कल्पना करती हूँ। आपके घर के सभी छोटे छोटे बच्चों को खूब सारा प्यार है और उनको मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद और दुलार है। तो चलिए भाई, मीन राशि आखिरी राशि है, इसलिए आपको बता देती हूँ कि आपके लिए 2021 में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या आपको मिलने वाला है। मीन राशि गुरु की प्रधान राशि, मीन राशि में शुक्र आकर उचके हो जाते हैं, तो आपको तो दो चीज़ों का बहुत बल मिलता है। गुरु प्रधान भी होते हैं, लेकिन साथ में आप दिल के बहुत रोमांटिक भी होते हैं। दिल के राजा होने की वजह से आपके ज़िंदगी के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को भोग विलास के साथ यूज़ करना चाहते हैं। आपको सुख बहुत चाहिए, आपको आराम बहुत चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा आलस ज़रूर करते रहते हैं, परंतु आपके साथ में अगर कोई चीज़ हो तो आप तुरंत गति से उस चीज़ को करने के लिए खड़े हो जाते हैं। चलिए भाई, कुछ और चीज़ें मैं आपसे क्लियर कर देती हूँ। इस साल के अंदर जो आपको करना है, आपको धर्म का पालन करना है, आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, आपको किसी भी तरीके से मन वचन या कर्म से किसी का बुरा नहीं चाहना है, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है, आपको जानबूझकर किसी का गलत उद्देश्य से आपको पतन नहीं करना है। आप जितना हो सके अपनों की मदद करिए, जितना हो सके दूसरों की मदद करिए, जितने भिखारी या गरीब लोग हैं उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं, उनको जो कुछ भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं ज़रूर करते रहिए। प्याऊ ज़रूर लगवाइए, पानी आप जितना ज़्यादा लोगों को पिलाएंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। धार्मिक स्थलों पर जाकर सेवा करिए, छोटे छोटे आप वहाँ पर जाकर अपनी श्रद्धा अनुसार जो आपका मन है वहाँ पे जाके लंगर कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके सवा मणि कर सकते हैं और लोगों को आप प्रसादी बांट सकते हैं। मंदिरों में जाकर आप वहाँ पर भजन कीर्तन ज़रूर करा करें, मन को आप विराम देने के लिए ओम का उच्चारण करा करें। सुबह उठ के योगा करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेषकर सही रहेगा। आप नहाने को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, स्वच्छ रहें, दूसरों को भी स्वच्छ रखें। अपनी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। जीवन में प्रगति पाने के लिए आपको श्री हरि विष्णु जी की शरणों में चला जाना है। आपको गुरुवार के व्रत अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन आप गुड़ चना केले पे ज़रूर चढ़ाइए। आप अगर हो सकता है तो गुरुवार के दिन श्री राम जी के मंदिर में जाके गेंदे के फूल ज़रूर चढ़ा कर आइए। एकादशी के दिन आप श्री हरि विष्णु जी को या फिर कृष्ण जी को या फिर राम जी को पीताम्बर वस्त्र ज़रूर चढ़ा दीजिए। अगर हो सकता है तो आप स्वयं भी केसर और चंदन अपने मस्तिष्क पर ज़रूर लगाइए। हल्दी डालकर स्नान करना चालू कर दीजिए और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का उपयोग करना चालू कर दीजिए। आप अपने जीवन के अंदर कुछ और बहुमूल्य चीज़ों को
अपनाना चालू कर दीजिए। जैसे आप अच्छी किताबें पढ़ा करिए, आप मोटिवेशनल चीज़ें सुना करिए, आप धर्म की चीज़ें सुना करिए, धर्म को जानने का, परिचय करने का आप थोड़ा सा अपने अंदर भाव लेकर आइए। आप छोटी छोटी यात्राएं करिए, पर उसके अंदर आप खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। अपने अंदर क्रोध बिल्कुल मत आने दीजिए। आप अपनी वाणी से किसी का भी बुरा मत कहिए। आप अगर हो सके तो अपने आसपास के लोगों के साथ में रिश्ते मधुर बना के रखें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जीवन में, उतार लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। पीला कपड़ा हमेशा अपने पास रखें, गुरुवार को पीला ज़रूर पहनिए। बालों को आप अधिकतर लेडीज़ हैं खुला मत छोड़िए, वरना आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाएगा। अगर हो सके आपकी नाक छिदी है तो आप हमेशा एक नाक के अंदर सोने की तार डालकर ज़रूर रखिए। अगर आप जेंट्स हैं तो आप अपने कान के अंदर एक सोने की तार डाल के रखें, इससे आपके भाग्य को उदय होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो चलिए भाई, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। माँ बाप का आशीर्वाद हर राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। गुरुओं का आदर, गुरुओं का सम्मान और गुरुओं का आशीर्वाद आपके लिए हमेशा लाभकारी होता है। ईश्वर की कृपा और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन के लिए फलदायी होता है। तो चलिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये राशि मैं आज के लिए बस करती हूँ। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा इंतजार यूं ही करते रहिएगा, हम जल्द मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। देखिए जी, बिल्कुल किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। हमने आपको जो भी कुछ बताया है वो आपकी चंद्र राशि के हिसाब से बताया। चंद्र राशि का मतलब होता है कि जिस समय आपका जन्म होता है उस तारीख पर, उस दिन चंद्रमा जिस राशि के अंदर होते हैं वो चंद्र राशि कहलाती हैं। उसी के हिसाब से आपका नाम भी रखा जाता है, लेकिन कई बार कई लोगों का नाम कुछ और रखा जाता है पर उनकी चंद्र राशि कुछ और होती है। तो आप जब भी हमारी वीडियोस देखें या उसके हिसाब से उपाय करें तो आप अपनी चंद्र राशि जानने के बाद ही ये कार्य आगे करें। अगर आपको कोई कंफ्यूज होता है तो आप हमसे लाइव में जुड़े, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर दिए गए नंबर्स पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर कोई प्रयोग करने में या आपको किसी प्रकार का कोई उपाय करने में कोई दिक्कत होती है, कोई कष्ट होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मास्क हमेशा पहन के रखिए, हाथ हमेशा सैनिटाइज करते रहिए और इस कोरोना को 2021 में अलविदा करिए। चलिए हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए माँ त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। माँ त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी माँ त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर
या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।